हाय, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन ओपन कंसल्ट। आज मैं आपको एक पेशेंट की स्टोरी सुनाने वाला हूँ। मान लीजिए उसका नाम मुकेश है। मुकेश आपके ही और मेरी तरह एक नॉर्मल व्यक्ति है, 45 इयर्स का, और वो रोज सुबह 7:30 बजे अपने ऑफिस के लिए निकलता है। पूरे दिन वो अपने ऑफिस में काम करता है और शाम को घर आते आते उसको 9 से 10 बज जाते। कभी कभी वो वापस आते आते बार पे रुक के अपने दोस्तों के साथ कुछ ड्रिंक्स पी लेता है, कुछ उसके साथ में कोल्ड ड्रिंक पी लेता है और उसके साथ में बाहर खाना भी खा लेते हैं। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से उसका काम जरूरत से ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहा है। ईयर एंडिंग आने वाली है, टारगेट अचीव करने हैं, तो उसको एक्स्ट्रा फोकस्ड रहना पड़ेगा और उसी के साथ उसके सर पे आ गया है एक्स्ट्रा स्ट्रेस। तो अब धीरे धीरे ये जो अल्कोहल पीने की फ्रीक्वेंसी है वो भी बढ़ती जा रही है और जो क्वांटिटी है वो भी बढ़ती जा रही है, और उसी के साथ जो अनाप शनाप बाहर का खाना है वो भी बढ़ गया। फिर एक दिन ऑफिस में बैठे बैठे अचानक से उसका पेट दुखने लगता है। अब पेट इतना भी नहीं दुखता है कि वो तुरंत दौड़ के डॉक्टर के पास जाना चाहे, बट इतना कम भी नहीं है कि वो उसको इग्नोर कर पाए। और उसने ये भी नोटिस किया कि उसके छाती में कुछ जलन होने लगी। पहले ये बहुत रेयरली हुआ करती थी, बट अब लगभग पूरे ही दिन उसको मुंह में ऐसी खट्टी डकार आने लगती है और पूरे टाइम जलन रहती है। तो एक दिन उसने समय निकाल के किसी केमिस्ट की दुकान से पेट दर्द की और एंटी एसिडिटी की दवा ली। दवा खाने के बाद उसको अच्छा लगा, वो बड़ा खुश हो गया कि अरे वाह, दवाई से काम हो गया, जान छूटी। और वो यही दवा को रेगुलरली लेने लगा जब भी उसका पेट दुखता। तो जहाँ वो अपने काम पे फोकस कर रहा था, उसका जो लिवर है वो ये सारी गलतियों को सुधार रहा था उसकी बॉडी में साइलेंटली अपना काम करके। और ये कोई नई बात नहीं थी, वो इसी कंपनी में, इसी शेड्यूल में, इसी टाइम टेबल में कई सालों से थी। तो यही साइकिल हर साल रिपीट होती थी और धीरे धीरे करके बढ़ती जा रही। तो अब ये अल्कोहल प्लस जंक फूड प्लस दवाइयों का जो मिक्सचर है, ये लिवर पे कैसे एक्ट करता है? तो अल्कोहल यानी कि इथाइल अल्कोहल, एथेनॉल जिसको मेडिकल लैंग्वेज में कहते हैं, तो वो जाके लिवर में कुछ ऐसे एंजाइम्स को स्टिमुलेट करता था जिससे कि लिवर में फैट बनना बढ़ जाता। एट द सेम टाइम अल्कोहल कुछ ऐसे एंजाइम्स की एक्टिविटी को बंद कर देता है जो कि फैट के बर्निंग के लिए जरूरी है, यानी कि फैट ऑक्सीडेशन या लिपिड ऑक्सीडेशन के लिए जरूरी है। एंजाइम्स यानी कि कुछ केमिकल्स जो कि सेल्स के अंदर पाए जाते हैं और उनका काम होता है बॉडी में अलग अलग केमिकल रिएक्शंस को करवाना। एक तरफ फैट का बनना बढ़ गया था और दूसरी तरफ फैट का बर्न होना कम हो गया। तो यानी कि लिवर में अब धीरे धीरे करके फैट जमा होना शुरू हो गया। एट द सेम टाइम जो जंक फूड था, जो कोल्ड ड्रिंक थी जिसमें कि बहुत शुगर होती थी, जो वो बार बार चाय पीता था, जो वो बार बार चिप्स खाता था, जो बाद में साथ में स्नैक्स खाता था, बाहर का खाना खाता था, प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट्स खाता था, वो सब के कारण भी लिवर के ऊपर काफ़ी अब्यूज़ होता था। उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगा, उसका इंसुलिन बढ़ने लगा, और ये भी और कारण थे जिसके की वजह से उसका लिवर डैमेज होता जा रहा था। अभी तक तो सब सही चल रहा था, बट जैसे ही उसने दवा खाना शुरू करी, बात हाथ से बाहर जाने लगी, उसके लिवर ने गिव अप करना शुरू कर दिया। दवाइयाँ भी लिवर द्वारा ही प्रोसेस होती है। एक तरफ तो फैट जमा हो रहा था अलग अलग गलतियों की वजह से, साथ ही में जब दवा आ गई तो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन भी शुरू हो गया, यानी कि लिवर में जलन होना भी शुरू हो गया। और अब लिवर ये सारी प्रॉब्लम्स को एक साथ हैंडल नहीं कर पा रहा। तो जैसा कि हमने मुकेश के केस में देखा, फैटी लिवर के दो मेन कॉज हो सकते हैं। एक होता है अल्कोहल, जिसकी वजह से होता है अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज़, और एक होता है बिना अल्कोहल के फैटी लिवर होना, जिसको हम कहते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज़। कई बार पेशेंट्स में मल्टीपल कारण पाए जाते हैं फैटी लिवर होने के, बट मोस्ट कॉमन कारण जो है वो है अल्कोहल। फैटी लिवर में भी अलग अलग ग्रेड्स होती है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। ग्रेड 1 में डैमेज सबसे कम होता है और ग्रेड 3 में डैमेज सबसे ज़्यादा होता है। हाउएवर, अच्छी न्यूज़ ये है कि फैटी लिवर एक रिवर्सिबल डिसीज़ है, और वो ग्रेड 1 हो, 2 हो या 3 हो, उसका ट्रीटमेंट काफ़ी सिंपल है और काफ़ी इफेक्टिव है। अगर बात ग्रेड 3 के आगे बढ़ जाती है तो लिवर को इरिवर्सिबल डैमेज हो सकता है, यानी कि अब चीज़ें कंट्रोल के बाहर जा चुकी हैं और अब लिवर को पूरा तरीके से ठीक कर पाना पॉसिबल नहीं। अब एक्चुअली मुकेश कितना अल्कोहल पी रहा था फैटी लिवर डिसीज़ कॉज करने के लिए? मेडिकल टेक्स्ट बुक्स के अनुसार 160 ग्राम्स ऑफ प्योर अल्कोहल अगर आप पिए पर डे लगभग 8 से 10 सालों तक, तब आपको फैटी लिवर डिसीज़ की प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप कहेंगे सर 160 ग्राम्स ऑफ अल्कोहल कैसे गिनेंगे, हम तो पैक बना के पीते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप 45 ml ऑफ हार्ड लिकर यानी कि रम, विस्की, वोडका या ऐसे किसी हार्ड लिकर को 45 ml अगर पियेंगे तो उसमें 14 ग्राम ऑफ अल्कोहल होता है। यानी कि आप मोटा मोटा अंदाज़ा लगा लीजिए कि अगर आप 45 ml के 10 पैक पी रहे हैं, आप लगभग
140 ग्राम्स ऑफ प्योर अल्कोहल कंज्यूम कर। अगर यही आपकी आदत रही है कई सालों से तो समय आ गया है कि आपको भी अपना हेल्थ चेकअप कराना चाहिए और अपने आपको ठीक करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। सुनने में हो सकता है कि 10 पैक ज़्यादा लगे, बट अगर आप हिसाब लगाएं तो इट इज़ ओनली 450 to 500 ml ऑफ एल्कोहल, विच इज़ नॉट इवन वन फुल बॉटल ऑफ एल्कोहल। वन फुल बॉटल ऑफ एल्कोहल कंटेन 750 ml ऑफ एल्कोहल। तो कई दिनों बाद उसको जब समय मिला तो उसने अपना हेल्थ चेकअप कराया और हेल्थ चेकअप द्वारा ये पता चला कि उसको Grade 3 फैटी लिवर है, उसको ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है और उसके साथ में कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ और वजन तो उसका बढ़ ही रहा था। मुकेश ने अच्छी बात ये की कि ये सारी इन्फॉर्मेशन लेके वो एक सही डॉक्टर के पास पहुंच गया, वेल क्वालिफाइड डॉक्टर के पास पहुंच गया। उसने यहाँ वहाँ टाइम पास नहीं किया बाकी लोगों से, दोस्तों से पूछने में, गूगल करने में और केमिस्ट से अनाप शनाप दवाइयाँ खाने में। जैसे ही डॉक्टर ने उसकी रिपोर्ट्स पढ़ी, पेशेंट को देखा, उससे कुछ सवाल किए, उसके कुछ एग्जामिनेशन किए और उनको तुरंत ही समझ में आ गया कि ये फैटी लिवर डिसीज़ का पेशेंट है जो कि प्री डायबिटिक है और इसका कोलेस्ट्रॉल भी बॉर्डरलाइन बढ़ा हुआ है। तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें डॉक्टर ने बताई जिससे कि मुकेश का भला हो पाया, जो कि आप भी अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं? तो सबसे पहली बात थी डाइट चेंज करना। शुगर, जंक फूड, ये सारे ही कारण हैं आपके लिवर को डैमेज करने के, आपका इंसुलिन बढ़ाने के लिए और आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने के। तो ये सारी चीज़ों को अपनी डाइट से हटाना था। 2 to 3,000 कैलोरीज ऑफ गुड फूड यानी कि न्यूट्रिशनल फूड खाना था। अब आप पूछेंगे कि 2 to 3,000 कैलोरी न्यूट्रिशियस फूड मतलब होता क्या, कौन गिनता है कैलोरीज, पूरे दिन ऑफिस जाएंगे या कैलोरी गिनेंगे? तो इन शॉर्ट आपने खाना है घर का खाना जिसमें तेल कम है, मसाला कम है, जिसमें कि बहुत ज़्यादा कुकिंग भी नहीं की गई है। अगर आप ऐसा खाना दिन में 2 या 3 बार खाएंगे, 2,500 to 3,000 कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं और न्यूट्रिशन कंज्यूम कर रहे हैं, उसमें बहुत सारे विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, फाइबर है जो कि आपके शरीर को अलग अलग तरीके से बेनिफिट करता है। साथ ही में उसकी डाइट में डॉक्टर ने एडवाइस किया कि आपको प्रोटीन्स बढ़ाने चाहिए। कितना बढ़ाने चाहिए? 1 gram per kg। अब आप कहेंगे ये 1 gram per kg बॉडी वेट क्या होता है, यानी कि अगर कोई 70 kg का व्यक्ति है तो उसको 70 grams ऑफ प्रोटीन रोज खाना है। 70 grams ऑफ प्रोटीन कितना होता है, इसके लिए आपको थोड़ी इंटरनेट पर जाके पढ़ाई करनी पड़ेगी। मैंने नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में लिख दी, आप उस पर जाके पता कर सकते हैं कि वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज ऑफ प्रोटीन कौन कौन से होते हैं और आप किसमें कितना प्रोटीन कंज्यूम कर पाएंगे। 1 whole egg इज 6 grams ऑफ प्रोटीन एंड 1 egg विदाउट येलो इज 3 grams ऑफ प्रोटीन। उसको बहुत सारी मल्टीपल विटामिन डेफिशिएंसीज थी, उनको भी ठीक करना ज़रूरी था, तो उसके लिए डॉक्टर ने उसको कई सारे मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स बताए, जैसे कि बीकाडेक्स कैप्सूल्स एक सप्लीमेंट है, जैसे कि बी कॉम्प्लेक्स कैप्सूल्स यानी कि बीकासूल करके जो कैप्सूल्स है वो एक सप्लीमेंट है, बहुत सारे फैट सॉल्युबल सप्लीमेंट्स हैं जैसे कॉड लिवर ऑयल हमने बचपन से सुना है, वो भी सप्लीमेंट लेना ज़रूरी है। साथ ही में उसको एक लिवर टॉनिक देना ज़रूरी था जैसे कि Liv 52। इसी के साथ उसका वजन कम करना भी ज़रूरी था, बिकॉज जैसे जैसे उसका वजन बढ़ता जा रहा था वैसे वैसे उसकी डायबिटीज़ भी बढ़ती जा रही थी, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता जा रहा था। तो उसको एडवाइस किया गया कि अब आप थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज करना शुरू कर दो। अब समय तो उसके पास था नहीं, बट समय निकालना था। तो जहां वो शाम को अपना ऑफिस खत्म करके बाहर में जाता था, अनाप शनाप खाता था, 1.5-2 घंटे बिताता था, वही टाइम उसने एक जिम ज्वाइन करके अपने फिटनेस को देना शुरू कर दिया। धीरे धीरे समय बीतता गया, पहले ये सब आदतें चेंज करना मुश्किल था तो उसके लिए ये सब चीज़ें करने काफ़ी इजी हो गई और उसको काफ़ी मज़ा भी आने लगा। धीरे धीरे उसका वेट कम हो गया। अब उसने घर पे अपना खुद का ब्लड प्रेशर चेक करना शुरू कर दिया था, घर पे अपनी शुगर चेक करना शुरू कर दिया था, साथ ही में वो एनर्जेटिक भी रहने लगा। उसको पता चला कि अब उसका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में आ रहा है, उसको पता चला कि अब उसकी शुगर भी कंट्रोल में आ रही है, अब वो अपने काम पे ज़्यादा फोकस भी कर पा रहा था, वजन भी कम हो गया था, वो अच्छा दिखने भी लगा था, जिम जाते जाते उसके काफ़ी दोस्त भी बन गए और अब उसका जॉब में प्रमोशन भी होने वाला। तो आप समझ सकते हैं कि जब उसने अपना डाइट और न्यूट्रिशन चेंज किया, उसने अपनी एक्सरसाइज चेंज की, तो ओवरऑल उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो थी वही काफ़ी इंप्रूव हो गई। 3 महीने बाद वो फिर से गया अपना हेल्थ चेकअप कराने और उसने अपनी रिपोर्ट्स देखी तो एकदम नॉर्मल थी। वो डॉक्टर के पास गया बताने कि उसने काफ़ी मेहनत करी है और ये है उसकी नई रिपोर्ट्स। तो डॉक्टर भी देख के खुश हुए और उन्होंने उसको बताया कि देखो अब तो तुम डेंजर से बाहर आ गए हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुमको फिर से अपनी पुरानी आदतों की तरह वापस जाना है, वरना हम घूम फिर के वापस से स्क्वायर वन पे आ गए। तो अब उसकी लाइफस्टाइल परमानेंटली चेंज हो चुकी थी, अब वो एक बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ का फ़ायदा उठा रहा था। एंड आई थिंक इस स्टोरी के साथ, इस पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ आपका भी कुछ फ़ायदा हुआ हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए, कमेंट लिखिए, कोई डिस्कशन स्टार्ट कीजिए। आई वुड लव टू हियर व्हाट यू हैव टू से एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, वॉश हैंड्स, स्टे एट होम, लिव हेल्दी एंड लिव स्मार्ट।